नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता का फोन नहीं उठाने पर हरीश हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर हरीश गुप्ता को भारी पड़ गया। सोमवार की सुबह सभापति बीना गुप्ता हॉस्पिटल पहुंची और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान रिसेप्शन पर बैठी युवती से हाथापाई की गई। डॉक्टर हरीश गुप्ता ने बताया कि आज सुबह नगर परिषद सभापति का फोन आया था, लेकिन मैं अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे फोन अटेंड नहीं कर पाए, जिसके चलते नगर परिषद की सभापति अस्पताल पहुंच गईं और आते ही स्टाफ के साथ हाथापाई की। सभी स्टाफ को डांट भी लगाई। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता का इस मामले में कहना है कि डॉक्टर को कॉल किया था, जब उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो रिसेप्शन पर बैठी महिला से मरीज के परिजन ने बात कराई, जिसने जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं दिया, इसलिए मजबूरन अस्पताल जाना पड़ा। घटना की सूचना पर SDM तहसीलदार कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर सभापति को वहां से भेजा। जी सर, अलवर सभापति नगर परिषद की सभापति महोदया यहाँ पर गुस्सा करते हुए आई कि उनका मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फ़ोन उन्होंने सुबह किया था जब मैं वॉशरूम में था, तो मुझे पता भी नहीं कि उनका फ़ोन आया था, लेकिन उनका कहना ये है कि मैंने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। और तो यहाँ पर आते ही हमारे रिसेप्शन पर जो रिसेप्शनिस्ट हैं लड़कियाँ, उनके साथ हाथापाई करी और उनको गुस्सा करा। उन्होंने मेरे पास फोन आया था तो उनका एक महिला ये कोई मोटी सी को करें कि हमको खींच लिया, गुरबान पकड़ खींच लिया बाहर, और ये कहा कि यहाँ कौन है प्रशासन का देखने वाला, और कोई आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, ये नहीं देते हो। और उनको सबों को नर्सिंग स्टाफ को सबों को बुलाकर उनको डांट लगा दी और उनको धक्का हाथापाई करने लगी। उनका क्या कारण था आने का? उनका कारण कोई पेशेंट के बारे में पूछना था, तो उनका टेलीफोन आया था तो टेलीफोन पिक नहीं किया। अब पिक नहीं किया, पहली चीज़ तो नंबर सेव नहीं होता हर किसी के। दूसरी चीज़, मैं उस समय वॉशरूम में था, मॉर्निंग में अपने काम में बिजी था। सही तो सुबह से रात तक हम लोग मरीजों में लगे रहते हैं। रात होती है, सुबह निकलता है, सुबह होती तो रात निकलती है। जी तो सर, 24 घंटे मरीजों में लगे रहते हैं, तो अपना काम जो दैनिक करने का होता है उसमें भी अगर ये टेलीफोन उठाना या करना तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो उनको जब टेलीफोन नहीं उठा तो उनको ये लगा कि मैं शहर की इतनी प्रथम नागरिक हूँ और महिला नागरिक हूँ और उसके बावजूद मेरा फ़ोन नहीं उठा, तो मेरी शायद उन्होंने अपनी इंसल्ट समझी हो। उसके लिए फिर वो यहाँ हंगामा करा। उन्होंने कोविड पीरियड में अपने यहाँ सबों को मरीजों के अटेंडेंटों को सबों को तंग करने लगी यहाँ पर, और हाथापाई करने लगी स्टाफ के साथ। सारे स्टाफ को घेर लिया, स्टाफ को काम नहीं करने दिया, जो सुबह का ट्रीटमेंट होता है वो भी डिले हो गया सर। हम लोगों को प्रशासन जो है पुलिस तुरंत आ गई थी, उन्होंने कहा था इनको काम करने दो, इनका काम क्यों डिस्टर्ब करी, तो उनको भी उन्होंने डांट मतलब उल्टा सुना दिया। उन्होंने भी कहा कि आप लोग तो अस्पताल से मिली भगत है आपकी और आप लोग तो इनके बारे में चाहते हो। सारे प्रशासन आ गया, सबों ने इनकी जो हरकतें देखी सारे प्रशासन ने देखी, और उस तरह से अब हम लोग तो इस तरह से हमने कहा कि भाई आप तो मरीज कोई है तो उसको ले जाए आप यहाँ से, या आप कहें तो सारा अस्पताल के और मरीजों को भी आप ले जाने जाते तो उनको भी ले जाए, कहीं भी आप शिफ्ट कर दीजिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद वो यहाँ बाहर हंगामा कर करा कर और पता नहीं चले गए थी पुलिस के द्वारा, पुलिस ने उनको समझा, जाकर उनको भेज दिया। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर हरीश।